हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनिल राजपूत। तो आज मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वालों के लिए शीट मेटल चैप्टर लेकर आया। तो आज मैं आरएसी ट्रेड वालों के लिए थ्योरी क्लास नंबर 5 लेकर आया हूं। इसमें आज मैं शीट मेटल चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा कि शीट मेटल्स क्या होता है और इसमें किस प्रकार की शीट का यूज करते हैं और इसमें क्या क्या टूल्स प्रयोग किए जाते हैं और इसका यूज क्यों होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोग को मिल सके सबसे पहले। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं आज की वीडियो होता है। तो शीट मेटल्स का इंपॉर्टेंट इसलिए आरएसी में शीट मेटल्स चैप्टर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारी ट्रेड आरएसी ट्रेड है उसमें शीट मेटल्स का भी प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग का रेफ्रिजरेटर हो गया, उसकी बॉडी बनानी है तो उसमें हम लोग शीट मेटल का प्रयोग करेंगे। और जो एचवीएसी सिस्टम में डक्ट का प्रयोग करते हैं वो भी क्या होगी, वो भी शीट मेटल के अंतर्गत आएगी। फ्रिज इसलिए आरएसी ट्रेड वालों के लिए शीट मेटल्स चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शीट पर किए गए वर्क को जैसे कि इसमें बताया गया है, जो इसका वर्क होता है 10 गेज से लगा के 30 गेज तक होता है और इसमें कुछ हैंड टूल्स और कुछ मशीन्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें आप लोगों का टीन स्मिथ शीट मेटल वर्क शीट होती है और इसमें कई प्रकार के शीट का प्रयोग करते हैं जैसे कि आयरन शीट, गैल्वेनाइज शीट, ब्रिम कॉपर एल्युमिनियम शीट, जीआई शीट आदि प्रकार की जो शीट्स होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शीट हैं उनके बारे में आप लोग को बताते हैं। जैसा कि जीआई शीट, द आयरन शीट कोटेड विथ जिंक इज कॉल्ड द गैल्वेनाइज शीट। इज द प्रॉपर्टी इज डक्टिकल थिकनेस ऑफ द शीट मेटल इज द मेजर्ड बाई द वायर गेज। एप्रीसिएंट शीट आर द मेनली यूज द रूफ वर्क। तो जो जी आई शीट होती है वो आयरन और जिंक से जो कोटेड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जी आई शीट। तो इसकी थिकनेस को नापने के लिए जैसा कि वायर गेज का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार की शीट को हम लोग मोड़ सकते हैं आसानी से। और इसका जो यूज किया जाता है रूफ वर्क में किया जाता है। अब बात करते हैं टीन सीट की। द आयरन सीट कोटेड विथ कॉल्ड इन द टीन सीट हिज सॉफ्टनर एंड द प्रॉपर्टी इज द डक्टाइल वर्क यूज ऑफ द मेकिंग कंटेनर्स। जो टीन सीट होती है उस पर आयरन की कोटिंग होती है और ये सीट जो होती है सॉफ्ट होती है और मुलायम होती है, जिसको आसानी से मोड़ सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कंटेनर बनाने के लिए करते हैं। कॉपर एंड ब्रास सीट। कॉपर एंड ब्रास शीट आर द अवेलेबल 100x100mm एंड 100x50mm आर द वायर साइज एंड द थिकनेस। तो कॉपर एंड ब्रास शीट होती है वो 100x100 एंड 100x50 के साइज में मिलती है। देयर प्रॉपर्टीज मेलेबल एंड द डक्टिकल। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिकल होती है, मतलब मुड़ सकती है आसानी से। द गेट हार्डनिंग इन द वेंट वर्किंग कोल्ड कंडीशन इन द दे रिक्वायर्ड एनलिंग ऑप्टन कैरी ओवर द फर्दर ऑपरेशन। तो इसका प्रयोग हार्डनिंग एनलिंग के लिए करते हैं कॉपर एंड ब्रास शीट। तो इस प्रकार के शीट का प्रयोग जो होता है एनलिंग सिस्टम के लिए करते हैं और ये शीट काफ़ी महंगी होती है आयरन जी आई शीट के मुकाबले। ये शीट जो होती है काफ़ी कॉस्टली होती है। एल्युमिनियम शीट्स। तो एल्युमिनियम शीट्स आर अवेलेबल इन 150x100mm एंड 100x100 आर वायरस साइज द थिकनेस। दिस शीट आर द जनरली यूज इन लैक्टनेस रिक्वायर्ड एंड द सॉफ्ट मेटल एंड द प्रॉपर्टीज आर डक्टाइल एंड द लिटिल ब्रिटिश यूज ऑफ द बॉडी बिल्डर्स ऑटोमोबाइल एंड द एरियो इंजन्स। तो ये जो सीट होती है वो 150x100mm एंड 100x100 साइज में मिल जाती है। और ये जो लैक्टली काम होता है जहाँ पर हम कम वजन की सीट्स बनाते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है हल्के वर्क के लिए। तो इसमें क्या, जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ हो गई उनकी बॉडीज बनाने में इस प्रकार की सीट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो एचवीएसी सिस्टम हो गया उसमें क्या होता है, डक्ट के बनाने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। लीड सीट। तो
लीड शीट हैव ए प्रॉपर्टी लाइट मेलेबल एंड द सॉफ्टनेस यूज द पैकिंग मटेरियल्स। तो लीड शीट दो होती है, बहुत ही हल्की होती है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग मटेरियल्स बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो शीट मेटल्स में कुछ हैंड टूल्स होते हैं, जैसे स्टील रूल, स्टील टैप, स्क्राइबर, डिवाइडर, ट्रेमल, चीजल, फाइल, स्नीप, शियर, हैमर, मैलेट, पंच, ग्रोवर, रिवेट शीट, सोल्डरिंग आयरन, वारगेज, ब्लो लैम्प, ETC। तो इसमें मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे टूल्स के बारे में बता दिया था, तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया है। उन टूल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आप लोग का स्नीप हो गया, शियर हो गया, ग्रोवर, रिवेट शीट, सोल्डरिंग आयरन, वायर और ब्लो लैम्प के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। और इसमें कुछ मशीन टूल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे थ्रेडिंग मशीन, बेंच लीवर, शियर व्हील मशीन, रोलिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन, स्वैगिंग मशीन, जेनी मशीन और ग्राइंडिंग मशीन। कुछ इस प्रकार की मशीनों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्निप्स। तो स्निप्स का प्रयोग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सीट काटने के लिए करते हैं। स्निप का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सीट को काटने के लिए करते हैं। इसे आसानी से हम लोग सीट को काट सकते हैं। इसके पार्ट्स हैं ग्रिप्स, लिंकेज स्क्रू और योट बोल्ट, ब्लेड्स, लॉकिंग अटैच, हैंडल्स। तो इसका प्रयोग आमतौर पर सीट को काटने के लिए किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे कि आप लोग स्ट्रैक स्नीप, बेंट स्नीप, कुछ इस प्रकार के स्नीप्स क्या करते हैं, सीट मेटल्स में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं सीयर की। तो सीयर एक कटिंग टूल्स है, सीट को काटने के लिए हम लोग सीयर टूल्स का प्रयोग करते हैं। ग्रूअर मशीन, तो ग्रूअर मशीन का काम क्या होता है, जो सीट्स होती है जैसे डक्ट वगैरह होते हैं उनमें दो सीट्स को ज्वाइंट करने के लिए साइड में ग्रूअर बनाते हैं, निशान बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं सीट पर साइड में इस प्रकार से निशान बनाते हैं ताकि दो सीटों को आसानी से फंसाया जा सके। रिवेटिंग टूल्स, तो रिवेटिंग टूल्स का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है सीट्स को ज्वाइंट करने के लिए, दो सीट्स को ज्वाइंट करने के लिए रिवेट टूल का प्रयोग किया जाता है। रिवेट एक प्रकार का लॉकिंग सिस्टम है, इसमें लॉक होता है सीट को, दो सीट्स को जोड़ने के लिए इसमें लॉक सिस्टम किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जॉइंट्स मारे गए हैं, ये क्या रिवेट टूल से मारे गए, रिवेट लॉक हैं और रिवेट मशीन से इस प्रकार सीटों को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन क्या है कि सोल्डरिंग आयरन द्वारा हम लोग दो सीटों को परमानेंट जोड़ते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से इसको हम सोल्डर करते हैं, दो सीटों को आसानी से जोड़ सकते हैं इसके द्वारा। ब्लो लैम्प, तो ब्लो लैम्प का प्रयोग आमतौर पर क्या किया जाता है कि जैसे कि ब्रेजिंग किया जाता है उसी प्रकार से ब्लो लैम्प का प्रयोग किया जाता है। एक कैरोसिन ब्लो लैम्प है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि शील्ड्स को वेल्डिंग, जैसे आप लोगों ने वेल्डिंग का नाम सुना होगा, गैस वेल्डिंग, उसी प्रकार से यह काम करता है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेक का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाफ मूल स्टिक, ब्रेक हॉर्न स्टिक, हैटेज स्टिक, फनल स्टिक, हॉर्स स्टिक, कैनवस स्टिक, स्क्वायर स्टिक। तो जो ये स्टिक होती हैं उन वो क्या करते हैं, सीट को ऐसे राउंड मोड़ना हो, फ्लैट मोड़ना हो, 90 डिग्री पर मोड़ना हो, तो उस प्रकार हम लोग स्टिक का प्रयोग करते हैं सीट को मोड़ने के लिए। तो ये सीट मेटल्स के कुछ इम्पोर्टेंट टूल हैं। ज़्यादातर इसमें टूल्स के बारे में पूछते हैं और सीट के बारे में पूछते हैं कि किस सीट का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो एक दो क्वेश्चंस आने का चांस रहता है सीट मेटल से, कभी कभार क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में चैप्टर है इसलिए मैंने आप लोगों को इस चैप्टर्स के बारे में बता दिया। तो आप लोग कुछ भी डाउट हो, RSC ट्रेड वालों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।